हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हैं। आज संडे, तो बस हम लोग अभी लेट उठे हैं। संडे वाले दिन नॉर्मली लेट उठते हैं, अराउंड 9:30-10 o'clock हो ही जाते हैं। तो बाहर अभी बारिश का मौसम हो रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं खिड़की के बाहर की किस तरीके का वेदर है। एंड अभी मैं बस पर्दे ही जो है वो खोल रही हूँ एंड बाहर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का आज वेदर हो रहा है। सो क्लाउडी है आज एंड वैसे तो बारिश का कोई ऐसा सच प्रेडिक्शन नहीं था, बट यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ। और ये देखिए, ये हमारा बैकयार्ड है, इसमें अभी काम जो है वो होना है। अभी फ़िलहाल ये डिगिंग का काम चल रहा है साइड कंक्रीट के लिए, सो दैट इज़ व्हाट माय हस्बैंड इज़ डूइंग नाउ डेज। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी क्लाउडी है और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश थी, ज़्यादा नहीं थी। सो एंड यहाँ पे स्माइली है, एंड स्माइली जो है वो बहुत ही लॉयल यूट्यूब पर्सन है, तो सुबह उठते ही सबसे पहले वो अपना फ़ोन देख रहा है। और यहाँ पे मैंने ये फ्लावर्स जो हैं वो डेकोरेट किए हुए हैं डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि जब तक बाहर का अभी नहीं फ्लावर्स उगते हैं बैकयार्ड में, तो तब तक मार्केट पॉट ही सही। एंड अभी यहाँ मैंने एक नेल पेंट लगाया था, तो स्माइली वाज सुपर एक्साइटेड, उसने नोट किया कि मैंने न्यू नेल पेंट लगाया है। और अभी यहाँ पे हम लोगों ने बाहर से खाना आज ऑर्डर किया, तो सुबह उठते ही हम सोच रहे थे कि अगर बाहर से कुछ ब्रेकफास्ट मंगा लिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये छोले भटूरे एंड अमृतसरी कुलचे हमने ऑर्डर किए और बहुत ही अच्छा टेस्ट था इनका। और अभी स्माइली जो है वो आज बहुत हैप्पी हो गया क्योंकि बाहर से नाश्ता भी आ गया, सो ही वॉज़ फीलिंग क्वाइट हैप्पी। एंड अभी मैं आज मॉर्निंग में ही रेडी हो गई और मैंने नेल पेंट लगाया था, सो दैट्स वाई ही वॉज़ सुपर एक्साइटेड। तो ये आई लव यू मॉम का जो है वो कार्ड बना रहा है। और बाहर ये जो मैं आपको बता रही थी कि डिगिंग का काम चल रहा है, सो ये स्किप बिन होती है, ये हमने ऑर्डर की है। उसमें ये जो डंप है, जो भी बाहर रहता है, वो हम डाल सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड यहाँ बारिश के बंद होने का वेट कर रहे हैं, सो ही वाज सेइंग कि एक बार ही बारिश बंद हो जाए सो ही विल स्टार्ट द वर्क। सो थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग थी बस, तो वो रेडी है काम स्टार्ट करने को। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अभी दोपहर हो चुकी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाला है, 1:30 हो रहे हैं आफ्टरनून के। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है एंड वी हैड अ डिलीशियस यमी इंडियन ब्रेकफास्ट टुडे। तो अभी मैंने बस रिकॉर्ड किया था थोड़ी देर पहले ही कि बारिश हो रही है और अभी एकदम से धूप हो गई है यहाँ पे काफ़ी। एंड ऐसा ही है मेलबोर्न का वेदर, एक मिनट में किसी तरीके से रहता है एंड बस दूसरे ही मिनट चेंज हो जाता है। तो अभी बस ये डंप का जो काम है ये स्टार्ट हो गया है, तो मेरे हस्बैंड बस ये काम करने पर लगे हैं। तो मोस्टली ये वीकेंड तो हमारा ऐसे ही जाने वाला है। सो अभी आई एम थिंकिंग कि क्या करूँ, घर में कुछ कपड़े फोल्ड करने वाले रखे हैं, आयरनिंग के लिए रखे हैं, सो आई एम थिंकिंग कि पहले वो फिनिश कर लेती हूँ एंड फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और सबसे पहले ये स्माइली का रूम है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही रहता है, तो ये अपने आप में ही एक लंबा प्रोजेक्ट है इसे क्लीन करना। सो आई थॉट कि इसे मैं वीकडे के लिए छोड़ देती हूँ एंड मैं कपड़े जो है वो पहले सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे स्माइली जो है वो स्टडी रूम में कपड़े रखे हैं, सो यहीं पे देखिए स्माइली बैठा हुआ है, अभी मेरा आने का वेट कर रहा है। सो बस ये कपड़े थे, थोड़े बहुत ही मैंने फोल्ड किए एंड उसके बाद मुझे लंच बना के ग्रॉसरी लेने के लिए जाना था। तो लंच में मैंने एक सिंपल सा फटाफट पुलाव रेडी कर लिया था एंड ये एक न्यूट्री पुलाव है, सोया पुलाव। इसकी डिटेल रेसिपी मैं शेयर करूँगी एक रेसिपी वीडियो में। तो अभी मैंने कुछ भी बनाने का, कुकिंग का इसका कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए निकलना था। सो बस ये इन लोगों का लंच जो है मैंने रेडी किया एंड उसके बाद आई लेफ्ट फॉर द शॉपिंग। सो गाइस, इट्स आफ्टरनून नाउ एंड अभी सभी काम फिनिश करके मैं बाहर आई हूँ एंड ये मेरे पास है ग्रॉसरी लिस्ट। तो वीकेंड है तो ग्रॉसरी आनी होती है, सिंस घर पे डिगिंग का काम हो रहा था, सो माय हस्बैंड कुडंट कम एंड स्माइली इज आल्सो अ लिटिल बिट डन वेल। थोड़ा सीजन चेंज हो रहा है, सो आई डिसाइडेड कि उसको भी मैं नहीं लेके आती हूँ, सो सिर्फ मैं ही आई हूँ। एंड अभी यहाँ पे जो मास्क है वो एग्जम्प्ट हो गया है, सो शॉपिंग मॉल के अंदर मास्क डालने की ज़रूरत नहीं है,
बट यस, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू वेयर अ मास्क. तो सिंस मैं बस से आई हूँ तो मेरा मास्क ये यही है. एंड मेन रीज़न वैसे भी आने का ये था कि होली के कलर लेने हैं. ऑल दो कॉल किया था शॉप पे बट दे सेड कि ओनली रेड कलर इज़ अवेलेबल एज ऑफ नाउ. सो चलिए, लेट मी बाय ग्रॉसरी स्टफ नाउ एंड देन आई विल टॉक टू यू लेटर. सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और वेल स्टॉक सामान रहता है इस शॉप पे. एंड मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था आपको कि एक्सटेंशन हुआ है. सो काफ़ी ज़्यादा अभी शेल्फ्स जो हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ आइटम्स रहती हैं इस इंडियन शॉप पे. सो पहले मैंने इंडियन शॉप का काम किया क्योंकि मेन काम तो यहाँ पे था होली का कलर लेने का. और ज़्यादा कुछ कलर अवेलेबल नहीं रहे थे क्योंकि बस अभी एक ही दिन बचा है होली को. तो इसके बाद मैं केमार्ट गई. तो हर शॉपिंग में केमार्ट जाना तो होता ही है. स्माइली ने मुझे वाटर ब्लास्टर लाने के लिए कहा था बट वो तो नहीं मिला, वो पिचकारी जैसा रहता है. एंड फिर मैं यहाँ पे सेक्शन में आई किड्स के, तो आई थॉट कि कुछ स्टेशनरी आइटम छोटा सा कोई पैक स्माइली के लिए ले लूँ सो दैट उसका टाइम पास हो जाएगा. और केमार्ट में काफ़ी वैल्यू आइटम्स मिल जाती हैं. आप देख सकते हैं कि ये बैग्स जो हैं वो कितने लो प्राइजेस पे हैं. एंड ईस्टर गुडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी. सो लॉट ऑफ स्टफ़ वॉज देयर फॉर ईस्टर बट सिंस स्माइली वॉज नॉट देयर सो आई डिसाइडेड कि नॉट मच ईस्टर शॉपिंग आई विल डू नेक्स्ट वीकेंड. इज ईस्टर वीकेंड तो उसको लेके आऊँगी सो ही कैन बाय समथिंग. बस मैंने एक ये चॉकलेट एग ही उसके लिए जो है वो लिया था. एंड लॉट ऑफ ब्यूटिफुल ईस्टर स्टफ़ वॉज देयर. तो एक ट्रे जैसा मैंने एक छोटी सी प्लेट ली यहाँ से ईस्टर के लिए. आई विल शो यू इन द लेटर पार्ट. तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे ये ईस्टर एग्स बने हुए आते हैं पैक. सो फॉर गिफ्टिंग ऑल्सो एंड फॉर किड्स. एंड काफ़ी अच्छी अच्छी ये बास्केट्स वगैरह एंड स्टफ टॉय भी थे ईस्टर के. सो बस थोड़ी बहुत ग्रॉसरी जो शॉपिंग थी वो करने में ही 2 घंटे लग गए. एंड देन आई वेंट बैक होम आफ्टर दिस. सो ये सभी मैंने इंडियन शॉप से लिया. ये गुलाल लेना था सो रेड कलर का ही मुझे मिला जैसे कि मैंने आपको बताया. एंड उसके अलावा ये कुछ MDH के मसाले ख़त्म हो रहे थे और नमकीन वगैरह लेना था. और बाकी सामान यूजुअली जो है वो हम ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हैं. ये कढ़ाई पनीर मसाला जो है बहुत ही अच्छा MDH का, यूज़ करके देखिएगा अगर आपने नहीं किया है तो. और उसके अलावा ये जो इंडियन सामान रहता है इंडियन सब्जियाँ ये लेनी थी. तो भिंडी वगैरह जो है वो एशियन ग्रॉसरी स्टोर से ही मिलती है. और यहाँ पे एक मैंगो लिया मैंने, ऑफ सीज़न है बट वहाँ पे मिल गया. सो दैट्स इट. बस ये गुजिया का एक मैंने फ्रोजन पैकेट लिया फॉर होली. सो गाइज, इट्स इवनिंग हियर नाउ एंड आई एम बैक होम. आपने देखा कि मैंने क्या क्या ग्रॉसरी शॉपिंग की आज. तो नॉर्मली मैं नहीं जाती हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, मेरे हस्बैंड ही जाते हैं रेयरली. जब कभी ऐसी जरूरत पड़ती है देन ओनली आई गो. सो टाइम लग जाता है मुझे एक्स्ट्रा क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं रहता कि कौन सी शेल्फ में क्या क्या है ग्रॉसरी का सामान. सो इट आई हैव टू सर्च अ लिटिल बिट. तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. एंड वेलकम टू ऑल द न्यू मेंबर्स जिन्होंने भी चैनल को अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई विल इन्फॉर्म यू कि वीकली वंस आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. तो नॉर्मली जो मैं न्यू वीडियो है वो फ्राइडेज को पोस्ट करती हूँ. थर्सडे और फ्राइडे को जो है दोनों में से एक दिन आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. एंड फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच. चैनल पे बने रहिए. चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ. बाय बाय ऑल ऑफ यू.